9 अप्रैल 2023 उस दिन जिस कंधों पे केकेआर की जीत की जिम्मेदारी दिया गया था, एक दिन उसी ही कंधों पे गैस सिलेंडर का बोझ थमाया गया था। आज जिन हाथों से वो 5 गेंद में 5 छक्के लाकर टीम को मैच जिता रहा है, एक दिन उसी हाथों में बैट की जगह झाड़ू पकड़ा दिया गया था। ये कहानी है एक ऐसी खिलाड़ी की जिसके पास एक समय क्रिकेट कोचिंग में भर्ती होने के लिए पैसा नहीं होता था, लेकिन वो आज खुद के पैसे से यंग क्रिकेटर्स के लिए 50 लाख खर्च करके एक हॉस्टल बना रहा है। ये कहानी है एक जज्बे की, ये कहानी है एक जुनून की, ये कहानी और किसी की नहीं, ये कहानी है रिंकू सिंह की। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 12 अक्टूबर 1997 को रिंकू सिंह का जन्म हुआ। पिता धनचंद्र सिंह एलपीजी डिलीवरी करते थे, माँ वीणा देवी एक हाउसवाइफ थे और भाई जीतू सिंह ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते थे। पिता उनके परिवार के 9 सदस्यों को लेकर एलपीजी क्वार्टर के एक छोटे से कमरे में ही रहते थे। पढ़ाई में कम और क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट होने की वजह से 9वीं क्लास में फेल होने के बाद रिंकू ने पढ़ाई छोड़ दिया और क्रिकेट में फोकस किया, लेकिन घर की हालत उतना अच्छा नहीं था कि वो क्रिकेट खेल के अपने सपने को पूरा कर सके और ऊपर से फ्यूचर में सक्सेस होने का भी कोई एश्योरेंस नहीं था। इसीलिए रिंकू के पिता उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए मना करते थे। रिंकू के पिता चाहते थे कि रिंकू जल्दी से जल्दी कुछ करके अपने परिवार का हाल संभाले, इसीलिए पिता ने उन्हें कोचिंग में स्वीपर के जॉब में लगा दिया, लेकिन रिंकू को सिर्फ क्रिकेट ही खेलना था, इसलिए वो स्वीपर के जॉब को मना कर दिया। लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के लिए रिंकू के पीछे कोई फाइनेंशियल बैकिंग नहीं था, इसलिए रिंकू ने गवर्नमेंट कोचिंग सेंटर में ज्वाइन किया और वहाँ पर लेदर बॉल के साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया। वहाँ का कोच मसूद अमीनी रिंकू के टैलेंट को देखने के बाद उन्हें बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलने के लिए ले जाते थे। रिंकू के माँ और भाइयों ने उन्हें हमेशा क्रिकेट खेलने के लिए सपोर्ट किया। एक बार कानपुर में एक बड़े टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए 1000 रुपये एंट्री फी था। माँ ने उधार करके रिंकू को 1000 रुपये दिया, लेकिन पिता को जब ये बात पता चली तब उन्होंने रिंकू को बहुत पीटा। उनके पिता का मानना था कि क्रिकेट में कभी करियर नहीं हो सकता है, लेकिन एक टूर्नामेंट में रिंकू जब मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने तब उन्हें एक प्राइज में एक बाइक मिला। रिंकू ने वो बाइक अपने पिता को गिफ्ट कर दिया ताकि उन्हें सिलेंडर डिलीवरी करने में आसानी हो सके। इसके बाद पिता के स्वभाव में कुछ नरमी आई। 16 साल की उम्र में ही रिंकू ने अंडर 16, अंडर 19 और लिस्ट ए क्रिकेट में डेब्यू कर लिया था। इन सब टूर्नामेंट में बढ़िया परफॉर्मेंस के बाद 2017 में किंग्स 11 पंजाब ने उन्हें 10 लाख के बेस प्राइज में अपनी टीम में शामिल कर लिया। उस समय रिंकू के लिए ये अमाउंट बहुत ही बड़ा अमाउंट था। इस अमाउंट से रिंकू ने अपने पिता के सारे कर्जों को चुका दिया। 2018 का आईपीएल ऑक्शन रिंकू के लिए एक ड्रीम ऑक्शन था। इस साल केकेआर ने उन्हें 80 लाख के प्राइज में अपनी टीम में शामिल कर लिया। आईपीएल की इस फीस से उन्होंने अपने फैमिली के लिए एक घर बना के दिया। केकेआर में आने के बाद अभिषेक नायर के अंडर उनका कोचिंग शुरू हुआ और आपने बैटिंग टेक्निक को इम्प्रूव किया। रणजी ट्रॉफी 2018-19 के सीजन में रिंकू ने 10 मैचेस में 953 रन बनाए थे, जिसमें 4 शतक भी शामिल था। 2019 और 20 के आईपीएल में भी केकेआर ने उन्हें अपने टीम में रिटेन किया, लेकिन उन्हें कुछ खास मौका नहीं मिला और जब मौका मिला तब कुछ खास कर नहीं पाए। 2021 के आईपीएल से पहले उन्हें इंजुरी हो गया और वो 2021 के आईपीएल से बाहर हो गए। 2022 का आईपीएल सीजन रिंकू के पहले कुछ आईपीएल सीजन से बढ़िया साबित हुआ। इस साल उन्होंने टोटल 174 रन बनाए, जिसमें 42 रन की एक क्रूशल पारी भी था और 2023 आईपीएल मानो रिंकू के लिए एक ड्रीम आईपीएल साबित हुआ है। रिंकू का सालों का मेहनत रिंकू के इस साल के आईपीएल में देखा गया। इस साल गुजरात के खिलाफ 5 गेंद में 5 छक्के लगाकर केकेआर को एक हरा मैच जिताकर इतिहास रच दिया और सिर्फ यही पर नहीं, चेन्नई के खिलाफ 33 गेंद में 53, हैदराबाद के खिलाफ 35 गेंद में 46 और लखनऊ के खिलाफ 33 गेंद में 67 रन की एक तूफानी पारी खेला और इस साल उन्होंने 59.25 के एवरेज रेट से 474 रन बनाए विथ एन स्ट्राइक रेट ऑफ 149.53। रिंकू का इस साल बैटिंग देखकर लग रहा है कि वो भारत का एक अनमोल खोज है। सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है केकेआर मैनेजमेंट को, उन्होंने सालों से रिंकू के ऊपर भरोसा जताया और उन्हें बैक करते रहे। हम आशा करते हैं कि रिंकू सिंह ब्लू जर्सी में आकर भी ऐसे ही परफॉर्मेंस देते रहे। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्रिकवर्स को।